एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कल कितने एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर कितना कराया था हमने लास्ट में? जरा कमेंट बताओ बेटा कोई भी। याशी, नूप, ऋषिकेश, कृणाल, बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट में कितना कराया था कृणाल बताओ? कल क्लास अटेंड किए थे ना? क्वेश्चन फोर कंप्लीट हो गया था ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर तक हो गया। आप लोग मैं रिवीजन कर लो जो आपने कल पढ़ा है, जो चैप्टर ये कंप्लीट हुआ है। कोई नहीं बेटा, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट ही हुई है, अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई है अभी, कोई दिक्कत नहीं। कल से आप लोग 9:30 पे एग्जैक्ट टाइम 9:30 पे आ जाए, है ना? तो हम लोग आज एक बार क्विकली रिवीजन कर लो आप लोग जल्दी से। सब लोग आ गए? आदित्य, बेटा नाम हमको जल्दी याद ही नहीं रहता, मैं क्या करूँ अभी याद है, थोड़ी देर बाद मैं भूल जाऊँगा। सॉरी फॉर दैट। अंशु दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? सो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? चल क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइबर टू फैब्रिक, चैप्टर थर्ड।
या फिर चैप्टर 30 रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक का अपना कंप्लीट हो गया था, आज हम लोग 5th नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेहान ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th में कह रहा है आप सब कर, आप सब लोग कर रहे हैं ना। Given below is a sequence of steps in the processing of food which are the missing steps add them ठीक है। तो आपको कुछ प्रोसेस दिए हुए हैं और आपको पता होगा कि जब उल का प्रोसेसिंग करते हैं, उल के बारे में बोल रहा है बेटा, तो उल का प्रोसेसिंग करते समय बेटा ये सही लिखा हुआ है और बिल्कुल दिख रहा है स्क्रीन में, तो आपको क्यों नहीं दिख रहा है याशी? अब दिख रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5th है, गिवन बिलो इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल विच आर द मिसिंग स्टेप्स, जो मिसिंग स्टेप्स है उनको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको आंसर है, आंसर को ये दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दे दिया है, जो प्रोसेस है इसके शेयरिंग, शेयरिंग दे दिया है। अब आपको फिल करने, जल्दी से आंसर बताओ, शेयरिंग के बाद क्या करते हैं? उसके बाद है शॉर्टिंग, शॉर्टिंग करते हैं, शॉर्टिंग के बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, आप बताओ जल्दी से। पहला आपका हो गया शेयरिंग, थर्ड नंबर में शॉर्टिंग है, शेयरिंग के बाद क्या करते हैं आप बताओ जल्दी से बताओ, किसी को पता है जल्दी से बताओ? शेयरिंग के बाद क्या करते हैं? आप लोग रिवाइज किए होगे तो आपको पता होगा। हाँ ठीक है बेटा, स्कोरिंग, हाँ ठीक है, दो बच्चे ने आंसर दिया है, बताओ और बताओ, ठीक है, आई थिंक सबको पता है ना,
स्कोरिंग करते हैं ना। तो हम लिख देते हैं स्कोरिंग बेटा, शेयरिंग किया, शेयरिंग में क्या करते थे, शेयरिंग में हम लोग उसके जो फ्लिश थे उसको रिमूव करते थे विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, ठीक है, ये शेयरिंग प्रोसेस होता था। स्कोरिंग प्रोसेस में क्या करते थे, उसको क्लीन करते थे, स्कोरिंग प्रोसेस टीयर करके एक हमने बताया ना कि वाटर होता है उसके अंदर एयर को डाल करके उसके डस्ट पार्टिकल्स हैं जो ग्रीसेस हैं या ऑयली स्किन्स हैं उसको रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद एकदम वो फ्रेश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग में क्या करते हैं कि जो हमें अगर उल बनाना है तो उसके कोर्स पार्ट होता है और एक काफी नीचे वाला जो पार्ट क्लोजर टू द स्किन वो कैसा पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है। तो हमारे यूज में उल बनाने के यूज में सिर्फ सॉफ्ट पार्ट ही यूज होता है। तो हम जो कोर्स पार्ट है उसका जो अपर लेयर ऑफ द क्या फ्लिश, अपर लेयर ऑफ द फ्लिश को हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टिंग कर लेते हैं, वो हमें दूसरे कामों में उसको यूज़ करते हैं, और जो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है उसका हम लोग ऊन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टिंग करते हैं, शॉर्टिंग के बाद बेटा क्या करते हैं, शॉर्टिंग के बाद किसने आंसर दिया है, कोई बच्चे ने आंसर दिया है क्या, शॉर्टिंग बाद क्या करते हैं बेटा, अभी फोर्थ बताओ, फोर्थ नंबर ठीक है, हाँ रोलिंग ऑफ वूल, सिक्स रोलिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। और अरे फोर्थ नंबर बताओ, कोई फोर्थ नंबर नहीं बता रहा है, फोर्थ नंबर बताओ, देखो फोर्थ नंबर में क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं ना, फाइबर स्पिनिंग, फाइबर स्पिनिंग का मतलब बेटा देखो जो स्पिन करते हैं उसको हम लोग, देखो स्पिनिंग का मतलब होता है एक एंड को दूसरे तरफ से फिक्स करके और एक तरफ से टकली जो होता है ना वो, या अब तो बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं उसको स्पिन करने वाले, इस तरह से स्पिनिंग करते हैं उसको। तो जब वो स्पिनिंग होता है तो उससे क्या निकलते हैं, बर्स निकलते हैं, क्या निकलते हैं, बर्स निकलते हैं, बर्स समझते हो ना, जो ये स्मॉल सॉफ्ट जो बाहर आ जाता है शर्ट के या फिर आपको जो वुलन क्लॉथ है उसका बाहर आ जाता है ना उसको बर्स बोलते हैं बेटा। तो उस थ्रेड से जो स्पिन करता है ना तो उसमें जो बर्स बाहर से निकल जाता है तो उस बर्स को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है ना, रिमूव, या पिकिंग ऑफ बर्स भी बोल सकते हैं इसको, या फाइबर स्पिनिंग, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब चलो फिफ्थ नंबर में फाइव, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसको डाई करते हैं ना, डाइंग करते हैं उसके बाद, है ना, कलरिंग, या फिर बड़ा ऐसे लिख लो आप लोग, कलरिंग करते हैं उसको, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में उसको हम लोग कब बनाते हैं, जब हम उसको स्पिनिंग कर लेते हैं उससे बर्स, अच्छा बर्स के साथ क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा बर्स हमारे काम की चीज़ नहीं होता है, ठीक है, और बर्स को हम लोग अगर कलर कर देंगे तो उसी टाइप के जो ये क्या है, बर्स आपका एक तरह से बोला जाए तो डिफेक्ट्स है, समझ रहे हो ना, तो उस डिफेक्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिफेक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद
फिर से हम लोग उसका प्रोसेसिंग कर देते हैं, उसको बाहर फेंकते नहीं हैं, फिर से उसका प्रोसेसिंग कर देते हैं। तो उससे हमको बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारा प्रोडक्शन सही रहता है, क्योंकि वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर उसको यूज़ में ले लेते हैं। तो हम लोग उस समय जब कलर कर देंगे उसको, तो फिर उसी टाइप के मटेरियल में ना उसको एडजस्ट करेंगे, तो ऐसा अगर कलर नहीं करेंगे तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसको। इसलिए हम लोग पहले डाई नहीं करते हैं, स्पिनिंग प्रोसेस से पहले उसको कलर नहीं करते हैं, ठीक है, बाद में करते हैं। फिर क्या करते हैं बेटा, लास्ट में रोलिंग ऑफ फाइबर। रोलिंग ऑफ फाइबर मतलब उसको रोल कर लेते हैं, ताकि जो हमारी मशीन्स है ना, मशीन्स को कैसे मटेरियल चाहिए, मतलब रोल्ड मटेरियल चाहिए जो रोल्ड किया हुआ हो, या टू सेट्स ऑफ यार्न लगा देंगे परपेंडिकुलर टू इच अदर, इस तरह से हम लोग एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, फिर ऐसे आएगा बेटा इस तरह से, और हमारा क्लोथ बनता जाएगा, है ना। ये 90 डिग्री होता है, मैथ में पढ़ो 90 डिग्री सीधे होता है एकदम, ठीक है। अब अपने क्लॉथ को देखना, किसी शेप में आपके क्लॉथ किसी शेप का बना हुआ होता है ना, आप देख सकते हो जो नॉर्मल क्लॉथ है, ठीक है। रोलिंग ऑफ थ्रेड बोल दो, फाइबर बोल दो, उल मत बोलो बेटा, उल बोल सकते हो बट सही है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको करने हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म का जो लाइफ साइकिल है ना, या फिर आप बोले तो सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल के बारे में बताना है, कि सिल्क वर्म क्वेश्चन नंबर 6 आपको लिखना है, होमवर्क है आपके लिए, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है। और लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म सबसे पहले क्या होता है कि जो सिल्क वर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, एक के फॉर्म में होता है। एक जब हैच करते हैं उसको, एक से बाहर जब निकालते हैं उसको, तो वो किस फॉर्म में होता है, कैटरपिलर या लार्वा के फॉर्म में होता है, या फिर उसको सिल्क वर्म भी बोलते हैं, उस फॉर्म में होता है। फिर धीरे धीरे ग्रो होकर के वो एक देने के स्टेज में आ जाता है, पहले फिर क्या करता है, पूरा चलो प्रोसेस ही समझ लो पूरा, ठीक है। जब वो खाना पीना खाता है, उसको हम लोग क्या करते थे कि बाम्बू का ट्रे बना करके उसमें मलबरी लीफ डालते हैं, और उस मलबरी लीफ से अपना फूड प्रोसेसिंग करके वो अपने बॉडी को ग्रोथ कर लेता है। फिर क्या करता है बेटा, फिर वो स्पिनिंग प्रोसेस करने लगता है। उस स्पिनिंग प्रोसेस में अपने बॉडी से जो माउथ से प्रोटीन्स निकालता है, वो प्रोटीन्स जब एयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, ठीक है, और एक प्यूपा बन जाता है, ठीक है। प्यूपा इस तरह से प्यूपा बन जाता है। अब वो प्यूपा काफ़ी शाइनी होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग हॉट वाटर में डाल देते हैं, किसमें डालते हैं बेटा, हॉट वाटर में। हॉट वाटर में डाल देते हैं, और हॉट वाटर में ये इधर से इस तरह से ऐसे निकलने लगता है, उसमें से एक थ्रेड निकाल करके उसको पूरा हम लोग रोलिंग कर लेते हैं, समझ गए ना, रोलिंग कर लेते हैं उसको। और उस प्रोसेस से हमें क्या मिल जाता है, फाइबर ऑब्टेंड हो जाता है। तो आपको पूरी लाइफ साइकिल बतानी है सिल्क वर्म की, सिल्क वर्म एक से लेकर के सिल्क मॉथ कैसे बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
काफी क्वेश्चन तो लंबा है लेकिन आंसर इसका बहुत शॉर्ट है ना। आप लोग देखना, आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी इस क्वेश्चन में। ये तो क्वेश्चन नंबर 7। आउट ऑफ द फॉलोइंग Which are the two terms related to silk production? ठीक है, आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं। सेरिकल्चर दिया हुआ है सबसे पहला, फिर दिया हुआ है फ्लोरिकल्चर, उसके बाद बेटा दिया हुआ है मोरिकल्चर, उसके बाद एपिकल्चर दिया हुआ है, एंड लास्ट में दिया हुआ है सिल्विकल्चर। आपको हिंट्स दिया हुआ है, खुद से करना है। हिंट्स दिया हुआ है आपको, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स सेकेंड हिंट दिया हुआ, फर्स्ट था ये, सेकेंड हिंट आपको दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज क्या होगा? हर्ष, बेटा क्या आपको नहीं दिख रहा है इसमें? सब तो दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहा आपको? बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम बताओ क्या आ रही है। अंशु सिंह,
एक बच्चे ने बताया है सेरी कल्चर एंड मोरी कल्चर। ठीक है बेटा, करेक्ट आंसर एकदम, वेरी गुड। आई थिंक बहुत बच्चे को आ रहा होगा, ठीक है, जिसको आ रहा होगा वो तो लिख लेंगे। देखो बेटा इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो भी सारा दिया हुआ है वो कौन सा ऐसा रिलेटेड है जो मतलब सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर में आपको पता है ना सेरीकल्चर क्या होता है। फिर आपको इसमें देखो मोरीकल्चर दिया हुआ है। मोरीकल्चर में बेटा क्या करते हैं, कल्टिवेशन ऑफ मलबरी ट्री, है ना। ये क्या करते हैं बेटा, मोरीकल्चर में हम लोग करते हैं कल्टिवेशन ऑफ मलबरी ट्री। इसमें बेटा जो फार्मर होते हैं ना वो मलबरी के ट्री लगाते हैं। इसके जो आप लोग फ्रूट्स खाए होंगे बहुत टेस्टी लगता है। इतने इतने लंबे लंबे होते हैं और पहले तो ग्रीन होता है, फिर कुछ दिन बाद रेड होता है, फिर वो ब्लैक हो जाता है। तो जब ब्लैक होता है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं वो, आप लोग सब खाए होंगे। ठीक है ना, तो ये दो टर्म थे इसमें, सेरीकल्चर और मोरीकल्चर। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आप सब लिख लो यहाँ पे आंसर में। सेरीकल्चर और ये दो है। दिस टू आर रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, जल्दी से लिखो, शायद सबने लिख लिया होगा। चलो मैम, आप लोग मैच द फॉलोइंग करना, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग करना और मेरे को बताना कि इसमें कौन सा आप सभी लोग करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन सबने लिख लिया बेटा, सब लोगों ने लिख लिया है ना, मिटाओ इसको। ओके, तो इसमें क्वेश्चन तो काफी लॉन्ग था बट इसका आंसर सिर्फ दो वर्ड्स के थे। ठीक है बेटा, मिटाता हूँ इसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द वर्ड ऑफ कॉलम 1 मैच द मैच द वर्ड ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन विद गिवन इन
कॉलम टू, ठीक है। आपके कॉलम वन में दिया हुआ है, कॉलम फर्स्ट है बेटा ये, और ये आपका कॉलम सेकंड, ठीक है। कॉलम फर्स्ट में है स्कोरिंग फर्स्ट, स्कोरिंग सेकंड में है मलबरी लीव्स, थर्ड में है याक, और फोर्थ में है कुकुर। इधर है आइट सिल्क फाइबर एम है, आइट्स सिल्क फाइबर वूल आइडिंग एनिमल, एनिमल सी फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, और डी है रिलिंग। F cleaning shared shared skin, ठीक है। आपको सीरियल वाइज बताना है कि कौन सा किस्म होगा, जल्दी से बेटा बताना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, देख फर्स्ट में है स्कोरिंग है, फर्स्ट में मलबरी लीव्स है, याक है और कुकुन है, इन चार ऑप्शन, ये चार ऑप्शन है, और इसके ये जो आंसर दिए हुए पांच है, तो आपको सटीक टिक करना है, ठीक है। अब आपको पता है सबसे पहले स्कोरिंग है, तो स्कोरिंग में क्या करते हैं, आंसर बताओ इसका जल्दी से। फर्स्ट क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, ठीक है। और बताओ दो बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है, ठीक है बेटा। सेकंड का फूड ऑफ सिल्क वॉर्म करेक्ट है, ठीक है ठीक है ठीक है, टू सी हाँ हाँ करेक्ट है। वूल आइडिंग एनिमल, ठीक है बेटा करेक्ट है, हाँ सही है। क्लीनिंग शेयर्ड स्क्रीन फर्स्ट, अच्छा हाँ हाँ सही है, ठीक है टू सी करेक्ट है। आइडिंग फाइबर हाँ ठीक है करेक्ट है। तो एक दो तीन बच्चे हैं जो करेक्ट पूरा चारों का करेक्ट आंसर दिए हैं, वेरी गुड बेटा। फर्स्ट का एफ नहीं बेटा, नहीं नहीं हाँ हाँ करेक्ट, हाँ सही है सही है, फर्स्ट का एफ करेक्ट।
चलो, तो काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, तो मैं फाइनल टिक कर देता हूँ। मैंने ई नहीं लिखा है ना, ठीक है। देखो स्कोरिंग में क्या करते हैं, क्लीन करते हैं ना। मलबरी लीव्स किससे रिलेटेड है? मलबरी लीव किसको किससे रिलेटेड है बताओ? ये मलबरी लीव किसका है? फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। अरे सिल्क वॉर्म क्या खाते हैं? मलबरी लीव्स खाते हैं। याक से क्या मिलता है हमें? वूल हाइडिंग एनिमल। तो ये याक क्या है? वूल हाइडिंग एनिमल। वूल हाइडिंग एनिमल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वूल के जो याक होता है ना, याक के जो फ्लिश है उससे हम लोग क्या बनाते हैं? वूल बनाते हैं। और कुकून की बात करें, कुकून किससे रिलेटेड है? कुकून हाइडिंग सिल्क फाइबर। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। जो नहीं आंसर दे पाया है, जो बच्चा आंसर नहीं दे पाया है, वो अपना करेक्ट कर ले जल्दी से। और चार पांच बच्चे ने, पांच छह बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया है इसका। तो इसमें रिलिंग जो प्रोसेस था वो इसमें कहीं से मैच नहीं किया, बाकी सब करेक्ट है। जल्दी से लिख लो बेटा, जल्दी से आप लोग लिख लो इसको, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन करेंगे। सबका हो गया ना? हो गया सबका? ठीक है, देखो मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको। स्कोरिंग में क्या करते थे? क्लीनिंग शेड स्किन। जो बेटा जो स्किन्स जो हमने हेयर को रिमूव किया है, फ्लिश को रिमूव किया है फ्रॉम द वुली एनिमल से, जो हमने इसके हेयर को या फ्लिश को रिमूव किया है, उसको स्कोरिंग करते हैं, मतलब उसको क्लीनिंग करते हैं एक तरह से, है ना। सेकेंड मलबरी लीव्स, बड़ा मलबरी लीव्स को कौन खाता है? तो मलबरी लीव को खाता है कौन? सिल्क वॉर्म खाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। मलबरी लीव की जगह पे क्या रहेगा? फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। ये सिल्क वॉर्म का फूड है, ठीक है। याक के पास क्या होता है? याक के पास जो उसके फ्लिश होते हैं बेटा, उस फ्लिश को हम लोग क्या बनाते हैं? उली क्लॉथ बनाते हैं, मतलब उल प्रोडक्शन होता है उससे। किससे होता है? याक से उल प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखे याक, उल आइडिंग एनिमल। अरे इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, इससे और भी एनिमल्स होते हैं, बट उनमें से सब हमें सिर्फ याक के बारे में बताना था। तो याक भी क्या है? उल आइडिंग एनिमल्स, उल आइडिंग एनिमल्स, है ना। कुकुन, कुकुन आपको पता ही है। तो इससे हम लोग क्या बोलते थे इस चीज को? तो कुकुन बोलते थे हम लोग जब वो हैचिंग करते हुए वो इस टाइप का शेप बना के जब अंदर चला जाता था, है ना। ये कैटरपिलर आपका अंदर घुसा हुआ है, तो बैठा हुआ है ना, ठीक है। तो
इस स्टेज को हम लोग कुकुन बोलते हैं। यही ये क्या होता था, ये होता था कुकुन ऑफ सिल्क मोथ, ठीक है, ये कुकुन ऑफ सिल्क मोथ होता था। और इसको जब हम लोग गर्म पानी में हॉट वाटर में डालते थे तो हमें वहां से क्या मिलता था, फाइबर मिलता था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बनाते थे, सिल्क बनाते थे, करेक्ट है ना। चलो सब समझ गए, सब लिख लिए। अब लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। पजल वाले क्वेश्चन है ये, तो आप लोग देखना एक बार, आप काफ़ी कर चुके हो सिक्स क्लास में, आप लोग को ज़्यादा आइडिया होगा इस चीज़ के लिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, इवन बिलो इज अ क्रॉस वर्ड based on this lesson, use hint to fill the blanks. Spaces with letters that complete the words that complete the words या फिर क्वेश्चन डाउन और अक्रॉस दिया हुआ, डाउन में बेटा डी दिया हुआ, डी का फर्स्ट थोरो वॉशिंग second animal fiber third one is long thread like structure और इसमें ए है, ए में दिया हुआ है फर्स्ट किप्स वॉर्म सेकंड है इट्स लिप्स आर
इट स्लिप्स आर रिटेन बाय सेलफोन. Eaten by silkworms. Third is hatches hatches from eggs of moth. ठीक है, ये आपके अभी क्वेश्चन चल रहे हैं. आप सब लिख रहे हैं ना, अब आपको पजल बनाते हैं, आप आंसर करने मजा आएगा आपको. मैं देखता हूँ स्पेस मेरे को कितना दिख रहा है. आई थिंक हो जाना चाहिए. सीधा है बेटा, ठीक है. आप लोग सही से बनाना इसको, मैं तो वैसे ही सिर्फ डायग्राम बना देता हूँ. ठीक है, अब एक और यहाँ बना लो. ये आपके रहे पजल, ठीक है. यहाँ पे है 1D और यहाँ पे है 2D, यहाँ पे है 1A और यहाँ पे है 3D, यहाँ पे है 3D. ये एक्स्ट्रा बन गया है एक्स्ट्रा वाली है, उसको मिटा देते हैं. करेक्ट है ना, तो यहां पे है आपका, यहां पे है 2A और यहां पे है, ठीक है. अब देखो इसको करो, आप लोगों को कुछ आइडिया है इसको करने का? Thank you.
देखो अब देखो 2D डी वाला कौन सा है, देखो अब बेटा ये देखो एनिमल फाइबर, अब इसमें और कोई ऐसा कुछ नहीं है, एनिमल फाइबर तो देखो 2D में क्या हो जाएगा, एनिमल फाइबर में क्या आएगा, एनिमल फाइबर ही है ना, एनिमल फाइबर में आ जाएगा सिल्क है ना, SILK ठीक है। आप देखो ये आपका हो गया, ये 2D ये कंप्लीट हो गया आपका। आप देखो थोरोवाशिंग फर्स्ट इन फर्स्ट क्या आ जाएगा, स्कोरिंग आएगा है ना, SCOUR ठीक है, स्कोर इसमें भी कर देना आप लोग ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या आएगा 2A, इट्स लीव आर ईटन बाय सिल्कवर्म, तो कौन सा 2A का सेकंड है ना, तो कौन सा हो जाएगा, मलबरी हो जाएगा ना, 2A में हो जाएगा MULBU, इसमें कुछ शो हो रहा है, आप लोग कर रहे हो क्या, इसको मैं ऊपर बनाऊं क्या, मेरे को थोड़ा नीचे प्रॉब्लम हो रही है, चलो मैं नीचे इसको बनाता हूँ। आप लोग यार क्वेश्चन लिख लिया होंगे पूरे, तो मैं इसको मिटा के लिखता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है, इतना है नीचे, उसके बाद इसके ऊपर दो है और यहां तक है, ये हो गया आपका ठीक है। उसके बाद ये 1D है और ये है 2D, फिर ये है 1A और फिर ये है 3D, फिर लास्ट में ये आपका 2A और ये फिर है इसके 3A ठीक है। तो पहले 1D की बात करें, 1D में थोरो वाशिंग, तो 1D में क्या रहेगा, स्कोरिंग है ना, 1D में लिखेंगे हम लोग SCOUR
OUR, ठीक है। अब देखो 2D की बात करें, देखो 2D में एनिमल फाइबर, तो एनिमल फाइबर क्या आ जाएगा, सिल्क है ना, SILK। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा था बेटा, यहाँ पे लिख ही नहीं रहा था, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा था इसलिए मेरा मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। अब देखो 1A तो कुछ नहीं है, 2A, 3D, 3D की बात करें, 3D क्या है, 3D में लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो 3D में क्या रहेगा, फाइबर, FIBRE, ठीक है। और 3A में इधर लिखा हुआ था, 3A में हो जाएगा आपका कैटरपिलर हो जाएगा, है ना। अब ये 2A हो जाएगा आपका मलबरी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। और ये 1 में पूल हो जाएगा, अरे तो ये आपका क्रॉसवर्ड है। और अब ये एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। ये जो भी बच्चा लिखना चाहे ये करेक्ट है, ये लिख लो आप, आप लोग अच्छे से लिखना है, इसको ध्यान से लिखना। बेटा सबका हो गया क्या, सभी लोग लिख लिए, हाँ सही है, थोड़ा थोड़ा आंसर दे रहे हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है। और आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है, अब आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब भी हम लोगों का साइंस का क्लास होगा, नेक्स्ट चैप्टर में 4th स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हीट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हीट के बारे में आप लोग जानोगे, और कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा आप लोगों को, जो कंपटीशन लेवल के होंगे और आपको काम भी आएंगे जब आप हायर स्टडी करोगे, हायर क्लास में स्टडी करोगे, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर क्या था, न्यूट्रिशन इन एनिमल था फर्स्ट चैप्टर आपका, फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल, सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट, फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल, सेकंड चैप्टर, और फाइबर टू फैब्रिक आपका थर्ड चैप्टर था। तो आप इसको तीनों चैप्टर कंप्लीट कर लेना, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे, है ना। चलो ठीक है बेटा, बाय।